हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो देखिए, व्हाट इज़ द जीआई टैग कैन मीन फॉर द कैशियो इंडस्ट्री इन गोवा। तो गोवा की बात हो रही है, तो यहाँ पे चलिए एक बार पहले गोवा का लोकेशन देख लेते हैं। ये इंडिया है आपका, ठीक है। इंडिया के आप वेस्टर्न पार्ट में देखिए, ये गुजरात, गुजरात के नीचे आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटका, और दोनों के बीच में सैंडविच हुआ पड़ा आपका छोटा सा, ये रहा आपका गोवा। लोकेशन अगर गोवा की देखें तो ये आप देखिए, ये ऐसे गोवा हो रहा है, ठीक है। ये ऊपर में क्या है आपके, महाराष्ट्र। यहाँ पे क्या है आपका, कर्नाटका, ये महाराष्ट्र। और ये क्या है आपका, गोवा। यहाँ पे क्या है आपका, अरेबियन सी। तो ये आपका गोवा का हो गया। यहाँ पे जीआई टैग की बात हो रही है, किस चीज़ को, कैशियो को। अब देखते हैं क्या है। रिसेंटली गोवन कैशियो कर्नल गॉट द जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन इंडिकेशन जीआई टैग। गोवा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हेल्ड द रिकॉग्निशन एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द कैशियो इंडस्ट्री इन द स्टेट एज अ माइलस्टोन टुवर्ड्स स्वयं पूर्ण गोवा मिशन। तो स्वयं पूर्ण गोवा मिशन इनका था, उसको एक माइलस्टोन मिला है। द जीआई टैग इज कन्फर्ड अपॉन प्रोजेक्ट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन सिग्निफाइंग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज। एसेंशियली इट सर्व्स एज अ ट्रेडमार्क इन द इंटरनेशनल मार्केट। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीआई टैग होता क्या है। चैलेंजेस इंडस्ट्री इज फेसिंग। कैशियो मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोसेसर्स इन गोवा सेट दे होप द जीआई टैग वुड हेल्प कंज्यूमर डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ऑथेंटिक गोवन कैशियो एंड कैशियो सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट ऑफन मार्क्ड एज गोवन कैशियो। मतलब गोवा का कैशियो नट्स बहुत अच्छे होते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ द जीआई टैग फॉर अ गोवन कैशियो डिराइव फ्रॉम द पोर्चुगीज नेम काजू और काजू इन कोंकणी वॉज फिल्ड बाई अ गोवन कैशियो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन GCMA विद द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड द वेस्ट मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑफ गोवा एक्टिंग एज फैसिलिटेटर। दीपक परब नोडल ऑफिसर पेटेंट फैसिलिएशन सेंटर एट द स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेड गोवन कैशियो विल कम विद द जीआई लोगो। ट्रेडर्स वोंट बी एबल टू यूज गोवन कैशियो लोगो ऑन द पैकेट्स विदाउट रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे उनको रजिस्ट्रेशन के बाद ही जीआई टैग का लोगो मिलेगा, और जीआई टैग के लोगो पर क्या होगा, गोवन कैशियो या गोवा कैशियो। द गवर्नमेंट विल प्रमोट इट, गवर्नमेंट इसको प्रमोट करेगा। रोहित सैंत GCMA प्रेसिडेंट सेड गोवा कैशियो नट्स आर एन इंटरनल पार्ट ऑफ गोवन आइडेंटिटी एंड ओवर द ईयर्स हैव बिकम सिनोनिमस विद गोवा। सैंत सेड द पास्ट फ्यू ईयर्स अ चंक ऑफ द कैशियो मार्केट हैव बीन कैप्चर्ड बाय द स्मॉल ट्रेडर फ्रॉम द स्टेट्स हु सेल चीपर इम्पोर्टेड कैशियो बाय लेबलिंग देम एज गोवा कैशियो फॉर प्रॉफिट रेन। मतलब प्रॉफिट के लिए बाहर से आए कैश्यू को वो लोग सस्ता बना के गोवा कैश्यू का नाम दे देते हैं। देर आर अबाउट 300 शॉप्स इन द कैलंगेट अलोन सेलिंग कैश्यू फ्रॉम द बेनिन आइवरी कोस्ट घाना गिनिया एंड बिसाऊ तंजानिया एंड फ्रॉम अदर इंडियन स्टेट्स मार्केटिंग देम एज गोवा गोवन कैश्यू। दीज ट्रेडर्स एंड प्रोसेसर्स डू नॉट कंप्लाई विद द नॉर्म्स ऑफ क्वालिटी पैकेजिंग वेइंग एक्सेट्रा एंड प्रोडक्ट्स आर ऑफन ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। तो मतलब उनके जो कैश्यूनेट्स होते हैं वो इन्फीरियर क्वालिटी के भी होते हैं, पर इन सब जगह पे वो लोग कहीं और जगह से इंडिया के स्टेट से मंगवा के उसको नाम दे देते हैं गोवन कैश्यू। किस लिए, प्रॉफिट के लिए, कि सबको पता है गोवा का कैश्यू अच्छा है तो भाई हम यहाँ पे पैसा कमाएंगे। वी हैड रिसीव्ड कंप्लेंट्स फ्रॉम टूरिस्ट एंड दिस अफेक्ट्स ब्रांड गोवा। तो ये कंप्लेंट जो बात है कि भाई क्वालिटी खराब है और गोवा का नाम लग रहा है तो गोवा का ब्रांड खराब हो रहा है। द इन्फ्लक्स ऑफ चीपर कैश्यू हैज़ मेंट that several processing units and manufacturing in Goa have been unable to sell their produce within the states and have had to find market outside curtail production or shut factories. Higher minimum wages and compliance norms than in states like Maharashtra, Tamil Nadu, Gujarat, Andhra Pradesh have also contributed to the decline in sale for the traditional Goan cashew processors. Zantia said that the processing unit have dwindled down from 40 in 2005 to over 15 at present. The cashew processor in Goa requesting anonymity said earlier 80% of
our sale was in Goa, but now it is difficult to compete on the price front. These smaller traders do not have a permanent labor force. They can avoid fixed cost input of large factories and labor welfare and evade compliances. From the naked eye, the consumer cannot tell the difference between Goan cashew and imported cashew. Consumer ko nahi pata chal sakta. The difference in color is marginal. The Goan cashew is sweeter in taste. Toh meetha hota hai taste mein. Madhav Shakari, GCMA member and the president, Goa Cashew Producer Association said, unless there was strict action against illegal marketing practitioner, the GI tag would not have much of an impact. तो जो इलीगली यूज कर रहे हैं उनके तरफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए इनका कहना है. हाउ कैश्यू कम टू गोवा. कैश्यू वॉज नेटिव फ्रॉम द नॉर्थ नॉर्थेस्ट ब्राजील एंड वॉज इंट्रोड्यूस इन गोवा बाय द पोर्चुगीज इन 1570 मेनली एज अ क्रॉप फॉर अफॉरेस्टेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन. द स्टोरी गोज दैट द एडिबल वैल्यू ऑफ कैश्यू नट वॉज डिस्कवर्ड बाय अ गोवन प्रिजनर एक्साइल टू द पोर्चुगीज टेरिटरी ऑफ द अफ्रीका मोजाम्बिक ड्यूरिंग गोवा फ्रीडम मूवमेंट इन द मिड 18th सेंचुरी. तो अब देखते हैं इसमें हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है. सबसे पहले अब देखिए, सबसे पहले हमारे लिए जी आई टैग, ठीक है, वॉट इज इट. तो हमने देखा वो क्या है आपका, वॉट इज इट है, तो ये है. The GI tag is conferred upon products originating from a specific geographical region, signifying unique characteristics and qualities, serves as trademark. तो ये हमारे लिए इसका definition हो गया. Second, Goan cashew. ठीक है, ये हमारे लिए important हो जाता है. गोवा का cashew nuts आया है. Third, इसको लाने की ज़रूरत क्या थी, why, क्यों ज़रूरी था. Fourth, इसका duplication हो रहा है, ठीक है. फिफ्थ, नेकेड आई से देख के बता सकते हैं, नेकेड आई से देख के बता सकते हैं कि अंतर क्या है, डिफरेंस नहीं, क्या डिफरेंस है, वैसे स्वीट होता है, ठीक है. इन लोग के पास क्या आ रहा था, कंप्लेन, क्यों, इंडिया के अलग अलग स्टेट्स से, जैसे ये आपका मानिए इंडिया है, अलग अलग स्टेट से, यहाँ पे गोवा मान लीजिए, यहाँ पे गोवा है, अलग अलग स्टेट से मानिए कैश्यूनट चला जा रहा था अफ्रीका के मोजाम्बिक केन्या अलग अलग एरिया में, और उसको गोवा का नाम देके बेचा जा रहा था. तब गोवा का नाम देके बेचा जा रहा था तो उसका जब क्वालिटी ख़राब था तो वो लोग टूरिस्ट कंप्लेन कर रहे थे गोवा को, उससे नाम किसका ख़राब हो रहा था, गोवा का, इसलिए ये एक्शन लिया गया. और यहाँ पर साफ बोला गया कि उन लोग के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लो, स्ट्रिक्ट एक्शन रिक्वायर्ड टू बी टेकन अगेंस्ट दोज हु डुप्लीकेट द गोवन कैशनेट्स, ताकि हमारे नाम ना खराब हो. तो ये हमारे लिए इस टॉपिक में, इस आर्टिकल में इतनी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती है. सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स. थैंक यू.